से बीजेपी का सफाया हो गया, वो भी 2019 के आम चुनावों से ठीक पहले। ये बीजेपी के थिंक टैंक को परेशान करने वाला है। हालांकि बीजेपी में इस पर माथापच्ची शुरू हो गई है, क्योंकि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। अब जरा इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी आखिर कहां पर चूक गई। पंद्रह साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी बुरी तरह हार गई। राजस्थान में 5 साल बाद ही फिर बीजेपी की राजगद्दी चली गई। मध्य प्रदेश में कांटों की टक्कर के बावजूद भगवा किला ठह गया। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी कुछ ही हारी कि सन्नाटा पसर गया दफ्तर में। हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। जिन सूबों से मोदी लहर की शुरुआत हुई थी उसी हिंदी पट्टी में 5 बरस बाद कमल मुरझा गया। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। पीएम मोदी ने 30 से ज्यादा रैलियां की, अमित शाह ने 170 से ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रम किए, साइबर सेल से लेकर पन्ना प्रमुखों के कान में मंत्र फूंकते रहे, लेकिन नतीजा सबके सामने है। ऐसे में जाहिर है कि हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है। जब एक के बाद एक सभी सूबों में बीजेपी सीधे सीधे कांग्रेस को पचखनी देती आ रही थी, फिर कैसे उसी कांग्रेस के हाथों पिट गई? आखिर कहां चूक गई बीजेपी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि ऐसे सवालों की चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी में हाई प्रोफाइल माथापच्ची जारी है। लेकिन पहले समझिए कि इन हार के पीछे बीजेपी की असली वजह क्या है। 3 राज्यों में सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, खासकर किसानों, नौजवानों और सवर्णों में सरकार के खिलाफ गुस्सा था। टिकट बंटवारे में जिताऊ नेताओं की नजरअंदाजी भी भारी पड़ी। विकास और मुद्दों से भटककर नकारात्मक राजनीति करना बीजेपी पर भारी पड़ गया। योगी जैसे स्टार प्रचारक राम, हनुमान, हिंदू, मुसलमान और गाय गोत्र करते रहे। बीजेपी नेताओं को लग रहा था राहुल का मजाक बनाकर वो जीत जाएंगे, लेकिन विपक्षी नेता का मजाक बनाना महंगा पड़ गया। बार बार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करना लोगों को अच्छा नहीं लगा। बड़े नेताओं का अहंकार और भद्दी भाषा का इस्तेमाल ने बीजेपी को नुकसान पहुँचाया। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं में आपसी लड़ाई सामने आई, इसने मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया। अपनी सरकार के काम गिनाने से ज्यादा बड़े नेता राहुल गांधी के दादा पर दादा से सवाल करते रहे। बड़ी बात यह है कि 2014 में बीजेपी, या कहिए कि मोदी ने राष्ट्रवाद की चाशनी में डुबोकर आर्थिक आशावाद का सपना दिखाया था। भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कही थी। रोजगार, सुरक्षा, सम्मान से सनी जरूरी बातें लोगों को पसंद आ गई थी। लेकिन अब की बार बड़े बड़े इन जरूरी मुद्दों से भटककर कांग्रेस की नाकामी और हिंदुत्व पर अटक गए। यही वजह है कि तमाम रणनीति धरी की धरी रह गई। राजस्थान का अगर कोई भी इवैल्यूएट करे राजस्थान का रिजल्ट, तो देखेगा कि वहां पर 73 सीटें हम आई हैं और साथ साथ 20 सीटों में हम बहुत छोटे मार्जिन से, बहुत मार्जिनल मार्जिन से हमारी लॉस हुई। तो वहां पर बार बार राजस्थान में सरकार बदली जाती है वहां की जनता द्वारा, लेकिन हमें सिर्फ अफसोस है वो छत्तीसगढ़ का मुझे लगता है कि वहां के रिजल्ट के मुताबिक हमें 15 साल के साथ ही भी बाद भी जिस तरह का हमें मैंडेट आया उसको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, इसलिए कि हमें उसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी एनालिसिस की जाएगी। हिंदी हार्टलैंड में जीत और हार का 2019 पर कितना असर पड़ेगा इसे समझिए जरा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलाकर तीनों राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं। 2014 में इनमें से 61 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब अगर आज के नतीजों को आधार बनाएं तो बीजेपी 2019 में इन राज्यों में कुल मिलाकर 20 सीट जीत पाएगी। जाहिर है कि ये 2019 में पीएम मोदी के दोबारा सत्ता में आने की राह में बड़ा रोड़ा अटकाएगा, लेकिन चुनौतियां इससे आगे की हैं। मसलन अब जबकि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस एक ताकत बनकर उभरी है, एकजुट विपक्ष से निपटना बड़ी चुनौती होगी। एनडीए के तमाम दलों को 2019 तक बनाए रखना भी प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती है। किसानों की बदहाली, भगौड़े कारोबारी, नोटबंदी, जीएसटी पर जवाब देना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं में उत्साह कायम रखना पड़ेगा। पार्टी में मोदी शाह से अलग धड़े की आवाज भी बुलंद हो सकती है। जबकि 2019 के आम चुनाव में थोड़ा ही वक्त बचा है, तैयारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में बीजेपी को नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। बड़े नेताओं को अपनी भाषा में संयम भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बिगड़े बोल ने भी 10 सालों से सत्ता में बैठी पार्टी को बोरिया बिस्तर बांधने में मजबूर कर दिया था। ऐसे में बीजेपी आला कमान को सोचना पड़ेगा।
हालांकि सच ये भी है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैंडेट आया है उससे साफ है कि नाराजगी राज्य सरकारों के खिलाफ ज्यादा थी, मोदी सरकार के खिलाफ कम। इन सब के बीच बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि अपनी बातों से लोगों के मन में यकीन दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी उसके पास है, तो दूसरी तरफ सटीक रणनीति से हवा का रुख मोड़ने वाले अमित शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।